कन्हैया जी, क्या बाथरूम की सफाई फिर हो गई? वाटर और क्लोरीन करने की तैयारी चल रही है। अच्छा, साफ हो गया अंदर से ना। अब इसके नीचे क्या होगा यहाँ पे? अभी सबसे पहले पाइप जो है, पाइप की ग्राउटिंग होगी। पाइप की ग्राउटिंग, उसमें मतलब वो केमिकल भरा जाएगा जो स्पेस है ना वहाँ पे, इसको नीचे। फिर उसके बाद माइक्रो कंक्रीट, उसके बाद माइक्रो कंक्रीट, और उसके बाद ये सफाई। अंधेरा है, बिना लाइट के नहीं हो पाएगा ये सफाई, तो किया हूँ। असल में शाम भी हो गई है ना, तो ये सब ग्राउटिंग होगा, सफाई करवा देंगे, सफाई करके अंदर करेंगे पूरा एकदम सील करें माइक्रो माइक्रो कंक्रीट से। सफाई कंप्लीट, यहाँ तो ठीक सफाई हो चुकी है। तो ये जो यहाँ का हिस्सा भी अपने किसी लेबर से कह के सफाई करा दीजिएगा, वापस पूरा कचरा अंदर घुस जाएगा। ठीक ठीक ठीक, ये सब एकदम चमका देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। चलिए, ये क्या मंडली चल रही है, तुमने लड़ाई करो क्या आपस में? इन लोगों को पैसा इतना दे दिया क्या कि हिसाब ही नहीं हो पा रहा है। ओह अच्छा अच्छा क्या सुनील, चलो ठीक। सफाई करते हो दरवाजा वो बंद कर दिया करो। ए भाई, सफाई करके का दरवाजा बंद करो सही में। अच्छा, ये पैकिंग हो गई इसकी? हाँ, क्या किए हैं, कैसे पैक किए हैं इसे? इसमें ड्रिल मार के सरिया डाल के हाँ भर दिया गया बस। अब इसी के ऊपर ईंट की दीवार ले जाएगी, उसी पर शावर वगैरह आ जाएगा। ठीक, कमरा नंबर 101 और 201 में। ठीक, नाइस। तो कल ईंट कर सकते हैं तो इस पर? इधर सफाई नहीं हुई, इधर तो अभी ब्रिक वर्क करना है, कॉर्निश का काम कैसा चल रहा है? इधर नहीं हुआ अभी शुरू, इधर का कंप्लीट है, ऊपर का भी कंप्लीट। ठीक, सफाई हो रही है। ये सब मलबा वही बीच वाले स्पेस में गिरवाइए सब। ये सब उसी में जमा करवा दें? बिल्कुल करवाइए सर, भरवा दीजिए उसी। यहाँ से नीचे फेंकने में डेंजरस है, पाइप यहाँ अभी हुआ। हाँ, ब्रेक वर्क है इधर का बचा हुआ। ओके, इधर भी तो खिड़की की जगह है ना ये तो? हाँ, लेकिन एक लगाना पड़ेगा, एक लगाना पड़ेगा, 3 फुट की खिड़की है। यहाँ तो इसको यहाँ लिफ्ट है ना, लिफ्ट वाली जगह पूरा पैक, उस वाले को भैया वहीं तक छोड़ना, इसको पैक करना है, इसको पैक करना है। ओके, घर आ गया। ठीक, नाइस। ये सफाई होगी, कल ब्रिक वर्क यहाँ हो जाएगा। छत पर एक टॉयलेट तो देना ही है। बैंड के लिए हो रहा है, यहाँ खिड़की का छज्जा, सीढ़ी का छज्जा है। हाँ हाँ, भराई हो गई कि नहीं इसमें? काम हो गया, लेकिन सेंटरिंग का काम पूरा हो गया? हाँ, पूरा है। कल सवेरे होगा ढलाई? कहाँ खत्म हो जाएगा, अभी सिर्फ खोलना ही बाकी रहेगा ना, वो तो ब्रिक होने के बाद तो ऊपर से वो तो अभी नहीं भी करेंगे तो पानी नहीं जाने वाला है। सही बात है, जब खोलने आएंगे तब भी सब देंगे।
ये आरसीसी का टैंक हो गया है पूरा, जो कि काफ़ी तपेगा धूप में, तो उसके इंसुलेशन के लिए ये वाली जो ईंट है इसके चारों तरफ फिक्स करा देंगे। ये ईंट जो है बहुत अच्छी इंसुलेटर है, इसे हीट जाएगी नहीं अंदर, तो हमारा पानी जो है उतना गर्म नहीं होगा जितना गर्म होना चाहिए, इसीलिए ईंट यहाँ रखा हुआ है। ये इस टैंक के इर्द गिर्द चारों तरफ मेरा प्लान है कि एज इंसुलेटर फिक्स करा देंगे। यहाँ पे लिफ्ट के लिए हमको वॉल देनी पड़ रही है, यहाँ पे लिफ्ट का जो मोटर वगैरह है वो फिक्स होगा, उसके लिए थोड़ा सॉलिड हमको जो वाइब्रेशन झेल सके वैसा स्ट्रक्चर चाहिए था एज पर रिकमेंडेशन फ्रॉम द लिफ्ट मेकर, तो इसीलिए यहाँ ढलाई होगी अभी। हाँ, यहाँ पे ब्लॉक लग जाएगा पूरा, इधर भी मेन तो है आपका इस साइड और साउथ साइड और वेस्ट साइड, ज़्यादा तगड़ी धूप है। वेस्ट साइड में कैसे करेंगे थोड़ा सोचिए आप, पीछे की साइड में। ऊपर का ढलाई हो गया है, सीढ़ी है, कन्हैया जी चेक कर रहे हैं कि कहीं कॉलम आगे वाला सीधा है या टेढ़ा है, साहुल लगा के। चूंकि ये छत का हिस्सा है तो ये इसी लेवल पे रहेगा, नीचे डक्ट है, डक्ट की सेफ्टी के लिए लगा हुआ है, ये 3 फीट का करीब करीब बेंड बना के यहीं पे छोड़ देंगे इसको। फिलहाल ये छत का हिस्सा है, वो सब सही है कि नहीं, ये टेढ़ा तो नहीं था आगे, वही जहाँ अंतर है। यहाँ जो ऊपर का हिस्सा है तो पूरा पैक करने के बजाय में यहाँ छोटा सा एक खिड़की दे देंगे, बाई चांस कुछ पानी उनी जम गया या कुछ हो गया तो उसको एटलीस्ट जाके डंडा मार के नली साफ करने के लिए, एकदम पैक करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी फिर। यहाँ तो एयरकॉन अपना बचाने के लिए ये पूरा एरिया पैक करना पड़ेगा आपको। इधर हो ही गया? हाँ, ये हो ही गया, सामने का तो खैर 3 फीट अभी तक छोड़ सकते हैं, ये डक्ट का गैस वैस निकलने के लिए। चलिए फिलहाल सो फार सो गुड आ रहे हैं।